गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आंसर राइटिंग की क्लास में। तो हम लोगों का चल रहा है पेपर वन, मध्य प्रदेश से संबंधित कल्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में लोक नाट्य से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं एमपीपीएससी के मेंस में। ठीक है, तो उन सारे प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और जो लोग निरंतर जुड़े हुए हैं आंसर राइटिंग की क्लास से और हार नहीं मान रहे, ठीक है, तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहें आप लोग। आप लोगों का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसा कि एटीट्यूड महान लोगों का होता है, ठीक है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। अगर फलक की जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। समझ रहे हैं बात को? आपको हार नहीं मानना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अंततः परिस्थितियों पर जीत आपको प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं आज की हम लोग, ठीक है। क्लास की स्टार्ट करते हैं थ्री मार्कर से। टॉपिक क्या है आज का हम लोगों का? मध्य प्रदेश में प्रमुख लोक नाट्य। जो पिछली क्लास के कुछ प्रश्न अगर रह गए थे, तो उन प्रश्नों के ऊपर भी, दो चार प्रश्न अगर शेष रह गए होंगे महत्वपूर्ण, उनके ऊपर भी आज की क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं थ्री मार्कर कौन सा है। पहला थ्री मार्कर है गम्मत, ठीक है। गम्मत क्या होता है ये आप लोगों को लिखना है। 35 सेकंड्स का समय रहेगा आप लोगों के पास, ठीक है, कि गम्मत क्या है। लिखें सभी लोग, गम्मत क्या है? गम्मत ठीक है। गम्मत है क्या ये पता होना चाहिए। ये कौन सी विधा है, किस क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक लोक नाट्य है। कहां पर प्रचलित है ये? निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। लोक जीवन से संबंधित या लोक जीवन पर आधारित लोक नाट्य है निमाड़ क्षेत्र का, क्या? गम्मत, ठीक है। यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। निमाड़ से संबंधित है, किन किन अवसरों पर किया जाता है, ठीक है। यह भी देख लेते हैं हम लोग, नवरात्रि, होली तथा गणगौर के अवसर पर गम्मत नाट्य किया जाता है या गम्मत नाट्य का मंचन किया जाता है, ठीक है। नवरात्रि, होली तथा गणगौर के अवसर पर ठीक है, कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है इसमें? झांझ है, मृदंग है, हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, ठीक है। तो वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं इसमें? ढोल है, हारमोनियम है, मृदंग है, झांझ तथा तबला आदि, ठीक है। तो इन सभी वाद्य यंत्रों का भी इसमें उपयोग होता है। बहुत ही अच्छा लोक नाट्य है। इसमें बीच बीच में ये सारे जो वाद्य यंत्र हैं इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लोक जीवन से संबंधित जो कथाएं होती हैं, जो गीत पाठ होते हैं, काव्य होता है, उसको बीच बीच में दोहराया जाता है। तो नवरात्रि, होली तथा गणगौर के अवसर पर गम्मत नाटक या गम्मत लोक नाट्य का मंचन किया जाता है निमाड़ के क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में। अगला थ्री मार्कर देख लेते हैं। अगला थ्री मार्कर है खम्ब स्वांग, ठीक है। 35 सेकेंड्स में लिखेंगे सभी लोग, जहां पर भी हैं आप लोग, घर पर बैठे हुए हैं, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग की। खम्ब स्वांग,
सबसे पहले आप लोग ये बता देना खम्भ सुवांग किन किन क्षेत्रों में होता है, किसके द्वारा होता है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, एक दो डाल देंगे हो जाएगा आपका थ्री मार्कर बढ़िया से। खम्भ स्वांग किन किन क्षेत्रों में खेला जाता है, ये लोक नाट्य है, क्या है, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, ठीक है, इन क्षेत्रों में खेला जाने वाला लोक नाट्य है। बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी तथा छिंदवाड़ा क्षेत्र में कोरकू जनजाति द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कोरकू जनजाति द्वारा। किया जाने वाला नाट्य या नाटक जिसे स्वांग भी कहते हैं, ठीक है। इसको खम्भ स्वांग क्यों कहते हैं, खम्भ स्वांग इसको इसलिए कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, किसी चौपाल पर या किसी चौराहे पर या किसी विशेष जगह पर एक खम्भे की स्थापना करते हैं, ठीक है। उस खम्भे को क्या माना जाता है, खम्भे को मेघनाद का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो खम्भे को क्या माना जाता है, मेघनाद का प्रतीक माना जाता है, मेघनाद की पूजा करते हैं ये लोग, और उस खम्भे के चारों ओर एक स्वांग या नाटक का क्या करते हैं, उसका मंचन किया जाता है, ठीक है। तो खम्भ स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं, खम्भ स्वांग मेघनाद को समर्पित, ठीक है, यह प्रतीक होता है मेघनाद का, ठीक है, मेघनाद को समर्पित खंबे के चारों ओर इसका आयोजन किया जाता है। तो खंभ स्वांग को खेलते कैसे हैं, खंभ स्वांग को किसी चौपाल पर एक खंभा गाड़ लिया, ठीक है, जो कि मेघनाद भगवान का क्या है, प्रतीक है। इसके चारों ओर यहां पर कोरकू जनजाति के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें से जो प्रमुख जो पात्र होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो एक्टर होते हैं, वो यहां पर खम्भ स्वांग खेलना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, और बाकी के लोग इनके चारों ओर इकट्ठे होकर यहां पर खड़े होकर देखते हैं वो लोग, ठीक है। तो खम्भ स्वांग एक खंभे के चारों ओर इकट्ठा होकर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं खम्भ स्वांग। तो खम्भ स्वांग क्या है, दरअसल ये लोक कथाओं पर आधारित होता है, पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इसमें उपयोग होता है, मृदंग है, झांझ है, टिपली है, ठीक है, मृदंग, झांझ, ढोलक, तबला, अबला, इन सभी का उपयोग होता है इसमें खम्भ स्वांग में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है खम्भ स्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, बघेलखंड क्षेत्र में, कुछ बघेलखंड का क्षेत्र भी इसमें शामिल रहता है, बैतूल, होशंगाबाद, शिवनी तथा छिंदवाड़ा क्षेत्र में, भारत के जो दक्षिणी भाग हैं उनमें आपको पता है कोरकू जनजाति पाई जाती है, सीधी बैतूल, होशंगाबाद, शिवनी इत्यादि जगह पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो नाटक होता है जिसका मंचन किया जाता है खंभे के चारों ओर, उसको क्या कहा जाता है, खम्भ स्वांग कहा जाता है। अगला थ्री मार्कर देख लेते हैं, लकड़बग्घा लोकनाट्य, लकड़बग्घा लोकनाट्य आपको लिखना है 35 सेकेंड्स में, ठीक है, उसके ऊपर फिर चर्चा हो जाएगी, जल्दी जल्दी लिखेंगे सभी लोग मेहनत के साथ। लोक नाट्य है लकड़बग्घा, बताएं इसकी विशेषता क्या है, कहां पर होता है,
ठीक है। लगड़बग्गा लोक नाट्य कहां पर खेला जाता है? ये बघेलखंड के आदिवासी क्षेत्रों में खेला जाता है, सारी जनजातियों में पाया जाता है, ठीक है। कोरकू जनजाति है, बैगा है, भारिया है, इन सभी में खेला जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कहां पर खेला जाता है, बघेलखंड। के आदिवासियों में प्रचलित कौन सा है ये लकड़बग्गा लोकनाट्य? कहां पर प्रचलित है? बघेलखंड क्षेत्र में आदिवासियों में प्रचलित है। विवाह के बाद इसका आयोजन किया जाता है या इसको खेला जाता है, ठीक है। जब विवाह हो जाता है लड़की और लड़के का, तो उसके बाद क्या किया जाता है? विवाह के पश्चात का मंचन किया जाता है। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि मनुष्य और पशु की जो भावनात्मक जो विचार हैं या भावनात्मक जो एकता है, उसको इसमें प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? पशु एवं मानव के भावनात्मक मेल को अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। तो क्या है ये लकड़बग्गा डांस, सॉरी लकड़बग्गा लोकनाट्य? इसमें ये बघेल कहां पर प्रचलित है, क्षेत्र लिख देंगे आप सबसे पहले, बघेलखंड क्षेत्र, ठीक है। किन में प्रचलित है? इस क्षेत्र के आदिवासियों में प्रचलित है। ठीक है। विवाह के पश्चात इसका मंचन किया जाता है। और इसकी विषय वस्तु क्या होती है? विषय वस्तु ये होती है इसमें पशु एवं मानव के परस्पर भावनात्मक मेल को अभिनय के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब इसमें यह शब्द क्यों आया है, परस्पर भावनात्मक मेल को अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? दरअसल इसमें एक कहानी होती है जिसमें युवक और युवतियां इस नाटक में भाग लेते हैं। विषय वस्तु ये होती है कि एक युवती की शादी हो रही होती है, विवाह हो रही होता, विवाह हो रहा होता है, उसी दौरान एक लकड़बग्गा आता है, लड़की को उठाकर ले जाता है, ठीक है, विवाह मंडप में से। फिर वो लड़की जंगल में लकड़बग्गे के साथ रहने लगती है। ठीक है। लकड़बग्गा जो होता है उसका काफी ख्याल रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपस में उनके जो प्रेम प्रेम जो भाव होते हैं वो जगने लगते हैं। लड़की लकड़बग्गे के प्रति अनुराग रखने लगती है, उसे प्रेम करने लगती है। फिर एक दिन क्या होता है, दोनों लोग जंगल में रह रहे होते हैं, लकड़बग्गा और लड़की। तो गांव के जो लोग आते हैं लड़की को ढूंढते हुए कई वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद, तो वो उस लकड़बग्गे को देख लेते हैं लड़की के साथ में, और उस लकड़बग्गे के ऊपर तीरों से आक्रमण कर देते हैं, जिसमें लकड़बग्गा घायल हो जाता है। ठीक है। घायल लकड़बग्गे को लड़की बचाते हुए ले जाती है जंगल में, फिर उसकी सेवा करती है और बहुत ज्यादा वो भाव विह्वल हो जाती है और करुणा से क्रंदन करने लगती है और उसकी सेवा करके उस लकड़बग्गे की जान को बचा लेती है। ठीक है। तो इसी नाटक का मंचन किया जाता है लकड़बग्गा लोकनाट्य में। ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण लोकनाट्य है, इसके ऊपर अगर कभी टिप्पणी भी आ जाए तो आप लोग लिख देना। ठीक है। तो यही कहानी है इसकी। तो इसी कहानी को इस नाटक में मंचन करके, यानी कि इस नाटक को खेल कर प्रस्तुत किया जाता है सबके सामने। तो क्या है ये, पशु एवं मानव के परस्पर भावनात्मक मेल को अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है लकड़बग्गा लोकनाट्य में। ठीक है। अगला थ्री मार्कर ले लेते हैं। अगला थ्री मार्कर है भवाई। ठीक है। भवाई क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 35 सेकेंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। लिखें, ठीक है। भवाई क्या है, भवाई भी एक लोकनाट्य है। भवाई क्या है, लोकनाट्य है, कहां पर प्रचलित है ये?
झाबुआ, छाबिया, झाबुआ है, अलीराजपुर है और उसके आसपास के क्षेत्रों में। भील जनजाति में यह लोक नाट्य, भील जनजाति द्वारा किया जाता है यह लोक नाट्य, ठीक है, भवई से आप समझ सकते हैं भील जनजाति, ठीक है, भील जनजाति द्वारा किया जाता है ये नाट्य जो है, लोक नाट्य जो है। इसमें होता क्या है, इस लोक नाट्य में एक महिला होती है, वो क्या करती है, 7 से 8 मटके अपने सिर के ऊपर रख लेती है, ठीक है, 7 से 8 मटके अपने सिर के ऊपर रख लेती है और इस नाटक के दौरान नृत्य भी किया जाता है, ठीक है, इस नाटक के दौरान सिर पर मटके रखकर सात से आठ मटके रखे जाते हैं, सिर पर मटके रखकर महिला क्या करती है, नृत्यांगना नृत्य करती है, ठीक है। इसमें कुछ विशेष, हाँ, इसके कुछ विशेष क्या होते हैं, इसके कुछ विशेष अभिनय करने के भाव भंगिमाएं होती हैं, ठीक है, विशेष प्रकार के हाव भाव होते हैं, पद संचलन विशेष होते हैं भवई में। ये महिला क्या करती है, नृत्य करते समय ये मटकों को अपने सर पर रखती है इस भवई लोक नाट्य के दौरान, और मटकों को गिराए बिना अपने मुंह से जैसे एक रूमाल रख दिया जाता है उसको उठाना, ठीक है, बहुत सारी थालियां रख दी जाती हैं उनमें नृत्य करना, ठीक है, उनमें किसी में भी गलत तरीके से पैर नहीं पड़ना चाहिए, तो विभिन्न प्रकार के पद संचलन का भी इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है, भवई लोक नाट्य में। अगला देख लेते हैं, ठीक है, अगला 3 मार्कर क्या है, अगला 3 मार्कर है मनसुखा, अगला 3 मार्कर है मनसुखा, क्या है ये मनसुखा आप बता देंगे जल्दी से, 35 सेकेंड्स में लिख के बताएं 3 मार्कर, मनसुखा क्या है, हो गया, मनसुखा क्या है, यह भी क्या है, एक लोक नाट्य है, कहां पर होता है यह लोक नाट्य, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, पूर्वी हिस्सों में विशेष तौर पर बघेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, ठीक है, तो बघेलखंड क्षेत्र में मनसुखा लोक जो नाट्य है, मनसुखा लोक नाट्य जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में विशेष तौर पर बघेलखंड क्षेत्र में खेला जाता है, ठीक है। मनसुखा में क्या होता है, मनसुखा में 2 दल बना दिए जाते हैं, ठीक है, 2 दल बना दिए जाते हैं, एक दल जो होता है वो कौन होता है, गोपियों का होता है, और गोपी क्या करता है, गोपियों से कौन बातचीत करता है, एक विदूषक टाइप का व्यक्ति होता है जिसे क्या कहा जाता है, मनसुखा कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है लोकनाट्य, श्रृंगार एवं हास्य रस प्रधान है, ठीक है, श्रृंगार एवं हास्य रस प्रधान लोकनाट्य है, ठीक है, जिसके केंद्र में कौन होता है, इसके केंद्र में पात्र होता है मनसुखा, केंद्र में मनसुखा नामक पात्र होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, मस्खरा टाइप का होता है, ठीक है, जो कॉमेडी करता है, व्यंग्य करता है, और ये किसके साथ बातचीत करता है, मनसुखा गोपियों के साथ, महिलाओं का एक दल होता है,
ठीक है, गोपियों के साथ बातचीत करता है, उनको तंग करता है, हंसी मजाक करता है, ठीक है, गोपियों के साथ क्या करता है, ये नोक झोंक करता है, मनसुखा और गोपियों के बीच नोक झोंक होती है इसमें, ठीक है, लोकनाट्य में। ठीक है, नोकझोंक का मंचन किया जाता है इसमें मनसुखा और गोपियों के बीच। ठीक है, तो कहां पर पाया जाता है, पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश के, ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र में। और इन क्षेत्रों में आपको, आपने देखा होगा हम लोगों के क्षेत्र में भी कई बार जो कॉमेडियन टाइप के लोग होते हैं या जो महिलाओं से ज्यादा बातचीत करते समय ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको क्या कह दिया जाता है, जो मनमौजी टाइप के लोग होते हैं, महिला देख ही नहीं कि बात करना चालू हो गए, ज्यादा खुश हो गए, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है, भाभी लोगों के साथ ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे क्षेत्रों में मनसुख राम। ठीक है, कहते हैं और भाई मनसुख कैसे हो तुम, है ना, मनसुख, है ना, समझ रहे, मन सुख, यानी इनको काफी मन में काफी खुशी मिलती है महिलाओं को परेशान करके, उनको तंग करके। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, मनसुख कहा जाता है। ठीक है, तो अगला श्री मार्कर ले लेते हैं, अगला श्री मार्कर है हिंगोला लोकनाट्य, हिंगोला लोकनाट्य। ठीक है, ये भी 35 सेकेंड्स में आप लोगों को लिखना है, ये जो प्रश्न है जितने भी, ये आपके प्री में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्री में भी अवश्य काम आएंगे। समय शुरू होता है, लिखें अभी, इंगोला लोकनाट्य। ठीक है, हिंगोला लोकनाट्य क्या है, हिंगोला लोकनाट्य जो है ये कहां का प्रसिद्ध है, बघेलखंड क्षेत्र में, प्रचलित पारंपरिक लोकनाट्य है हिंगोला लोकनाट्य। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें दो दल बना दिए जाते हैं इस लोकनाट्य में, एक दल में क्या होता है, महिलाएं होती हैं, एक में पुरुष होते हैं। ये जो लोकनाट्य है मंच रहित होता है, कहीं पर भी बैठ जाते हैं दोनों ग्रुप, ठीक है, मंच रहित होता है, दो दल क्या करते हैं आपस में नोक झोंक के द्वारा बातचीत करते हैं, संवाद को आगे बढ़ाते हैं, जो लोक परंपराएं, जो लोक कथाएं होती हैं उनके आधार पर ये इस लोकनाट्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दो दल होते हैं, नोक झोंक, वाद विवाद एवं समसामयिक मुद्दों के द्वारा, ठीक है, समसामयिक मुद्दों के आधार पर ये क्या करते हैं, इस लोकनाट्य को, इस लोकनाट्य का मंचन किया जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों के आधार पर इस लोकनाट्य को किया जाता है। ठीक है, दोनों दल क्या करते हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो परंपरा के आधार पर क्या किया जाता है, नोक झोंक की जाती है दोनों मुद्दों में, सॉरी दोनों दलों में, और इस मंचन को, इसका जो मंचन होता है हिंगोला का, इसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये दोनों, लेकिन ये मंच रहित होता है, ऐसा नहीं जमीन पर भी बैठकर ये लोकनाट्य खेला जाता है, हिंगोला लोकनाट्य। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया। ठीक है, अगला थ्री मार्कर देख लेते हैं, अगला थ्री मार्कर है काठी लोकनाट्य, अगला थ्री मार्कर है काठी लोकनाट्य। काठी लोकनाट्य कहाँ खेला जाता है, ये जो हिंगोला है ये किन अवसरों पर किया जाता है, ये भी एक पॉइंट हो जाएगा थ्री मार्कर में, विभिन्न उत्सवों एवं पर्वों के अवसर पर। ठीक है, ठीक है, अगला थ्री मार्कर क्या है, काठी लोकनाट्य,
काठी लोक नाट्य के ऊपर लिखना है आप लोगों को 35 सेकंड्स के अंदर। थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो गया, देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। काठी लोक नाट्य के ऊपर लिखना है, इसकी क्या विशेषता है, किस क्षेत्र में यह खेला जाता है काठी लोक नृत्य। ठीक है, यह काठी लोक नाट्य नहीं है, यह गलत लिख दिया है। ठीक है, क्या है यह? काठी लोक नृत्य है, काठी लोक नृत्य है, काठी लोक नृत्य, ध्यान रखना आपको, यह फोक डांस है। ठीक है, क्या है ये? लोक नृत्य है, काठी लोक नृत्य। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कहां पर प्रचलित है ये। ठीक है, काठी लोक नृत्य क्या है, कहां पर किया जाता है, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। तो काठी लोक नृत्य कहां पर किया जाता है? मालवा क्षेत्र में किया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये काठी लोक नृत्य। ठीक है, कहां पर किया जाता है काठी लोक नृत्य? मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुछ लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न कल छूट गए थे, उन्हें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो काठी लोक नृत्य है ये किससे संबंधित है? ये है शक्ति पूजा से संबंधित है ये। ठीक है, किससे संबंधित है? शक्ति पूजा से संबंधित है। पार्वती जी की इसमें पूजा की जाती है, काठी लोक नृत्य में किसकी पूजा की जाती है? पार्वती जी की पूजा की जाती है इस नृत्य में। ठीक है, पार्वती जी को समर्पित। पार्वती जी को समर्पित लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा होता है? वाद्य यंत्र का नाम होता है ढाक। ढाक नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और यह वाद्य यंत्र कैसा होता है? यह कमर में बांधा जाता है। ठीक है, यह जो ढाक नामक वाद्य यंत्र है कहां पहना जाता है? यह कमर में पहना जाता है। जब नृत्य किया जाता है तो इसमें से ध्वनि निकलती है। ठीक है, और इस नृत्य के दौरान जो वेशभूषा होती है, ठीक है, जो वेशभूषा धारण की जाती है, जिस विशेष तरीके का यह पहनावा होता है उसे क्या कहा जाता है? उस वेशभूषा को कहा जाता है बाना। ठीक है, बाना कहलाती है। क्या कहलाती है? बाना। वाद्य यंत्र जो इसमें उपयोग हो रहा है वो क्या कहलाता है? ढाक कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजें। कहां पर हो रहा है? मालवा क्षेत्र में हो रहा है। कौन सा है? काठी लोक नृत्य, बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य मध्य प्रदेश का। शक्ति पूजा से संबंधित है ये। ढाक नामक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है जो कमर में पहना जाता है। ठीक है, और जो वेशभूषा पहनी जाती है नर्तक और नर्तकियों के द्वारा, इसे बाना कहा जाता है। शक्ति पूजा और पार्वती जी से संबंधित है ये काठी। ठीक है, काठी लोक नृत्य। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है सैला नृत्य। अगला है सैला नृत्य। 35 सेकंड्स का समय रहेगा आप लोगों के पास, समय शुरू होता है अब। लिखें सैला नृत्य। सैला नृत्य ठीक है, सैला नृत्य है, कहां पर किया जाता है, किस किस के द्वारा किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं।
कार्तिक फागुन माह में मुख्यतः अमावस्या के दिन किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है? सैला नृत्य। ठीक है कहां पर, इसकी अवस्थिति क्या है वो भी बता देंगे। ठीक है, मंडला डिंडोरी क्षेत्र में। किसके द्वारा किया जाता है ये बेगा जनजाति के द्वारा। ठीक है, और ये जो सैला नृत्य है, नाम पर नहीं जाना है आपको, ये कैसा नृत्य होता है? ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है। यानी इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, जब डांस करते हैं तो शौर्य, ओज और चपलता के साथ किया जाता है। इसके जो स्टेप होते हैं वो कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सैला नृत्य कहां पर है? कार्तिक और फागुन माह में अमावस्या के दिन मंडला डिंडोरी क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाता है? बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें सौर एवं ऊज की प्रधानता रहती है और यह तीव्रता के साथ नृत्य किया जाता है, सैला नृत्य। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? बेगा जनजाति के द्वारा, ध्यान रखना है। ठीक है, सैला नृत्य किससे संबंधित है? बेगा जनजाति से संबंधित है। इसी प्रकार से जितने भी नृत्य हैं, कौन कौन सी जनजाति से संबंधित है, सब आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है हुलकी नृत्य। हुलकी नृत्य क्या है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी लिखने का प्रयास कर लें सभी लोग, 35 सेकंड का समय है, लिखें जल्दी से। हुलकी नृत्य क्या है? 3 मार्कर है। ठीक है, हुलकी नृत्य कहां से संबंधित है, कौन करता है इस नृत्य को? ठीक है, देख लेते हैं। तो हुलकी नृत्य होता है सतपुड़ा तथा बघेलखंड क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाता है? ये मुड़िया जनजाति के द्वारा। मुड़िया जनजाति द्वारा हुलकी नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये एकल नृत्य नहीं है, ये कैसा नृत्य है? ये सामूहिक नृत्य है। ठीक है, ये सामूहिक नृत्य है। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। इसे विभिन्न उत्सवों पर किया जाता है। ठीक है, इसमें जो पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं इनका उपयोग किया जाता है। जैसे ढोलक है, सारंगी है, मृदंग है। ठीक है,
इन सारे वाद्य यंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़, इसी दौरान जो हुलकी नृत्य होता है, इस समय कौन सा गीत गाया जाता है? हुलकी पाटा। ठीक है, हुलकी पाटा नामक गीत गाया जाता है। तो आप लोगों को पता है मुड़िया जनजाति जो है यहां पर क्या होता है, गोटुल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहां पर? गोटुल। ठीक है, ये जो नृत्य है विशेष तौर पर जो होलकी नृत्य जो है ये विभिन्न उत्सवों के दौरान कहां पर किया जाता है? गोटुल में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो होलकी नृत्य कहां पर होता है? सतपुड़ा तथा बघेलखंड क्षेत्र में मुड़िया जनजाति। गोटुल क्या होता है? गोटुल वो होता है जहां पर जो नवयुवक और युवतियां जो होती हैं वहां पर इनको आगे भविष्य में अपने जो पारिवारिक जीवन में प्रवेश पाना है तो वहां पर गोटुल में क्या किया जाता है? इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, नवयुवक और युवतियों को। ठीक है, तो वहां पर ये होलकी नृत्य भी किया जाता है विभिन्न उत्सवों के अवसर पर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 5 मार्कर, माच लोक नाट्य पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर इस टाइप के प्रश्न आ जाए, करें माच लोक नाट्य पर टिप्पणी लिखें या प्रकाश डालें, तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है? पहले आपको बता देना है कि कहां पर और किन किन क्षेत्रों में यह नृत्य किया, नृत्य या नाटक या जो भी प्रश्न अगर आपके पास आए ये किस क्षेत्र से संबंधित है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ विशेष आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद उसकी प्रमुख विशेषताएं आप बता देंगे और आपकी टिप्पणी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टिप्पणी को लिखेंगे सभी लोग। 3 मिनट का समय रहेगा, जल्दी से लिखना है सभी लोगों को। समय शुरू होता है अब, लिखें सभी लोग माच लोक नाट्य पर टिप्पणी लिखें, जल्दी से लिखना है सभी लोगों को। लिखें सभी लोग जल्दी से। माच लोक नाट्य पर टिप्पणी लिखना है सभी लोगों को। ठीक है, हो गया। माच लोक नाट्य पर टिप्पणी लिखना था, तो क्या करना पड़ेगा आपको?
पहले आप बता देंगे माच लोक नाट्य, ठीक है। इसमें पॉइंट्स वाइज आपको लिखना है कि माच लोक नाट्य है क्या, तो वो बता देना है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को हम देख लेते हैं। माच लोक नाट्य क्या है? मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य है, ठीक है। क्या है ये? पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे? मालवा क्षेत्र में प्रचलित प्रदेश का पारंपरिक लोकनाट्य, ठीक है, ये लिख दिया आपने। फिर आप इसमें बताएंगे कि प्रदेश सरकार ने इसको राज्य लोकनाट्य का भी दर्जा प्रदान कर रखा है, ठीक है, ये भी बता देंगे। तो ये प्रदेश में इसको राजकीय लोकनाट्य का दर्जा प्रदेश सरकार ने दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या बताएंगे अगले पॉइंट में? अगले पॉइंट में आप बताएंगे कि प्रदेश में लोक नाट्य जो माच परंपरा है, माच जो लोक नाट्य है, ये काफी प्राचीन है, ठीक है। तो अगली इसमें पॉइंट में आप क्या बता देंगे? इसकी प्राचीनता बता देंगे, ठीक है। प्राचीनता में आप बता देंगे कि लगभग 300 वर्षों से मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता रहा है, ठीक है। और संभवतः ये सबसे पहले आरंभ कहां पर हुआ था? उज्जैन में सर्वप्रथम इसका आरंभ हुआ था, ठीक है, ये भी बता देंगे आप इसको, है ना। और फिर हम ये बता देंगे कि ये कैसे इसका लोक नाट्य का इसका मंचन कैसे किया जाता है, किस पहर में किया जाता है, किस ऋतु में किया जाता है, ठीक है, तो ये भी बता देंगे। मंचन सामान्यतः कहां पर किया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। और रात्रि के प्रथम पहर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सामान्यतः इसका जो मंचन होता है वो कैसे स्थान पर किया जाता है, या लोकनाट्य जो है माच कैसे स्थानों पर खेला जाता है? खुले स्थानों पर इस नाटक का मंचन किया जाता है, ठीक है, तो यह भी आप लिख देंगे। सामान्यतः ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में खुले स्थानों पर इसका मंचन किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? यह भी बता सकते हैं आप कि यह जो है काफी प्राचीन परंपरा है, और इसमें कौन कौन से जो वाद्य यंत्र हैं इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं आपको पता होगा? जैसे कि जो पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं, ढोलक, सारंगी आदि, ठीक है, ढोलक है, सारंगी है, इनका उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, माच लोक नाट्य में। क्योंकि माच लोक नाट्य के जो आरंभकर्ता जिनको माना जाता है, जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, उनका नाम क्या था? गुरु गोपाल, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक कौन थे उनके बारे में बता देंगे। प्रवर्तक माच लोक नाट्य के प्रदेश में कौन थे? गुरु गोपाल थे, ठीक है। ये जो हैं, ये रहने वाले कहां के थे? ये रहने वाले राजस्थान के थे, ठीक है, ये रहने वाले राजस्थान के थे, जहां से आकर ये मालवा में बस गए, ठीक है। और इन्होंने यहां पर माच लोक नाट्य का आरंभ किया। तो आप ये भी बता सकते हैं कि माच लोक नाट्य जो है, ये जो यहाँ की पारंपरिक अनेक विधाएं हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्रीय, जैसे कलगीतुर्रा है, अन्य भी चीजें हैं, उन सारी चीजों से विकसित होते हुए क्या हुआ? अन्य नाट्य विधाओं से एक मिश्रित होकर एक बहुत ही खूबसूरत विधा ने जन्म ले लिया, जिसे माच लोक नाट्य कहते हैं, ठीक है। उन विधाओं के साथ साथ माच लोक नाट्य पर, चूंकि इसके जो प्रवर्तक गुरु गोपाल जो हैं, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। तो राजस्थान का एक प्रमुख नाट्य विधा है, लोक नाट्य विधा है, कौन सी? ख्याल, ठीक है। तो ख्याल जो लोक नाट्य विधा है, तो इस पर हम देखेंगे ख्याल का भी प्रभाव है, ठीक है।
तो मार्च पर राजस्थान की खयाल जो लोकनाट्य विधा है उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिख देना है मार्च लोकनाट्य पर टिप्पणी और आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट बहुत बढ़िया से। ठीक है, इसी टाइप से लिखने हैं आपको सारे प्रश्न, फाइव मार्कर जब भी आपके पास आ जाए आप उसकी डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे कम शब्दों में। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है फाइव मार्कर, छाहुर लोक नाट्य पर प्रकाश डालें। ठीक है, छाहुर लोक नाट्य क्या है। 35 सेकंड्स का तो नहीं, 3 मिनट का समय मिलेगा, सॉरी। ठीक है, फाइव मार्कर है, 3 मिनट में लिखना है आप लोगों को छाहुर लोक नाट्य पर प्रकाश डालें। समय शुरू होता है अब, लिखें सभी लोग छाहुर लोक नाट्य पर चर्चा करें या प्रकाश डालें, जल्दी से लिख लें सारे लोग। हो गया सभी लोगों का, ठीक है देख लेते हैं। छाहुर लोक नाट्य पर प्रकाश डालें, छाहुर लोक नाट्य। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या लिखना था, इस लोक नाट्य में क्या क्या हम लोगों के पास जानकारी और क्या क्या हम लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप बता देंगे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो क्षेत्र बता देंगे कहां से संबंधित है, ये बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है छाहुर लोकनाट्य। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध तथा प्रतिनिधि लोकनाट्य है। ठीक है, पहले पॉइंट में आप ये लिख देंगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे आप इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे। ठीक है, यह क्या करता है, यह कृषक संस्कृति के बारे में, कृषक संस्कृति पर आधारित है, कृषक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है,
ठीक है। तो कृषक संस्कृति का प्रतिनिधि है, यानी कृषक संस्कृति के गौरव और उसके स्वाभिमान, ठीक है, कृषक संस्कृति के गौरव तथा स्वाभिमान का विवरण आपको इसके लोकनाट्य में, यानी छाहर लोकनाट्य में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, कृषक संस्कृति के स्वाभिमान और गौरव से संबंधित मुद्दे दिखाई देंगे, ठीक है। और क्या है इस नाट्य में, अगले पॉइंट में लिख देंगे, यह नाटक जो है शौर्य प्रेम तथा श्रृंगार, ठीक है, इन सारी विधाओं से युक्त है, ठीक है, यानी शौर्य प्रेम तथा श्रृंगार पर आधारित है ये। कौन सा, छाहर लोक नाट्य। तो छाहर लोक नाट्य कौन से क्षेत्र में मिल रहा है हमें, बघेलखंड क्षेत्र में मिल रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कृषक संस्कृति का प्रतिनिधि करता है, शौर्य प्रेम तथा श्रृंगार पर आधारित है ये, ठीक है। और कहां पर होता है ये होता है बघेलखंड क्षेत्र। और बाकी चीजें कब से कब तक चलता है ये, किन किन विशेष परिस्थितियों में इनको किया जाता है, दीपावली से लेकर गोप अष्टमी तक, ठीक है, दीपावली से लेकर गोप अष्टमी तक इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस नाट्य को कब आयोजित किया जाता है, ठीक है, दीपावली से लेकर गोप अष्टमी तक, और किसके द्वारा खेला जाता है ये, कृषक जातियों के द्वारा, ठीक है, कृषक जातियों द्वारा, कृषक जातियों में प्रचलित, ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन कौन सी कृषक जातियां हैं उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे तेली हैं, ठीक है, कुम्हार हैं और आहीर हैं, ठीक है। इस टाइप से जो कृषक जातियां हैं जो कृषि कार्यों में लगी रहती हैं, वो इस लोक नाट्य का क्या करते हैं, इसको खेलते हैं वो, ठीक है। इस नाटक को कौन खेलते हैं, जो कृषक जातियां हैं वो इस नाटक को खेलती हैं बघेलखंड में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, इसका आयोजन मंच पर नहीं किया जाता। इसका आयोजन कैसे किया जाता है, मंच रहित तो होता है, ठीक है, कहीं पर भी, यानी चौपाल पर, चौराहों पर, ठीक है, गांवों और नगरों में क्या किया जाता है, चौपाल, चौराहों एवं घरों, घर के आंगनों में, ठीक है, आंगनों में भी यह नाटक प्ले किया जाता है, ठीक है, यानी खेला जाता है, ठीक है। तो मंच रहित होता है ये नाटक, चौपाल, चौराहों और आंगन में खेला जाता है, ठीक है। और क्या होता है, बघेलखंड क्षेत्र की एक विशेषता और होती है कि जैसे राई नृत्य भी बघेलखंड में किया तो जाता है, लेकिन राई नृत्य में जैसे बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है, उसके केंद्र में कौन होती है, एक महिला होती है जिसे नर्तकी को बेड़नी के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बघेलखंड में उसका किरदार भी कौन निभा लेता है, पुरुष निभा लेता है। तो इस वाले जो छाहर लोक नाट्य है, इसमें भी जो महिलाओं के किरदार को कौन निभाता है, पुरुष ही निभाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, महिलाओं के किरदार को पुरुष द्वारा निभा लिया जाता है, ठीक है, पुरुष द्वारा, यानी महिलाओं को इसमें, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती, पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, छाहर लोक नाट्य में, यानी महिला के तौर पर भी पुरुष ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और इसमें जो मौखिक संवाद होते हैं, ठीक है, मौखिक संवादों की भी महत्ता बहुत ज्यादा मानी गई है, मौखिक संवाद इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये है छाहर लोक नाट्य, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, छाहर लोक नाट्य में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है इसमें भी, ठीक है, झांझ, मृदंग आदि, ढोलक वगैरह। तो इस टाइप से आपको लिख देना है, तो आपका ये भी 5 मार्कर बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। छाहर लोक नाट्य के बारे में आप बता देंगे किन क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक है, किन के द्वारा किया जाता है, जैसे ये जो कृषक प्रजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कब से कब तक चलता है, दीपावली से लेकर गोप अष्टमी तक चलता है, ये भी आप लिख देंगे, ठीक है। और
स्वर प्रेम तथा श्रृंगार पर आधारित होता है ये, कृषक संस्कृति का प्रतिनिधि मूलक है ये, ठीक है, छाहर लोक नाट्य इस टाइप से करके आप बता देंगे। महिलाओं के किरदार भी इसमें पुरुष ही निभाते हैं, मंच रहित होता है, चौपाल चौराहों और आंगन में ये नाटक खेला जाता है, ठीक है। इसमें मौखिक संवाद बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी इसमें उपयोग कर लिया जाता है आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है। तो आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त, और हो सकता है ये आंसर राइटिंग की अंतिम क्लास हो। अगर आपको आंसर राइटिंग की क्लास अगर जारी रखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे यूट्यूब पर, आप तो अगर मुझसे मिलना हो तो सर्च कर सकते हैं मेरे नाम को MD जुनेश सर करके, तो वहां पर हम लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास के एंड में एक कहानी और छोटी सी सुन लेते हैं, ठीक है। तो एक कहानी है एक फूल की, ठीक है। वो होता है कैसा फूल, छोटा सा एक फूल होता है, घास का फूल होता है, घास में उगने वाला एक सामान्य सा फूल, ठीक है। उसके साथ में अन्य फूल भी उगे होते हैं, तो जो जो फूल होता है घास का उसमें उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो सुरक्षित रहता है, लेकिन क्यों सुरक्षित रहता है, वो एक ऐसी जगह पर होता है जिसके चारों तरफ झाड़ियाँ होती हैं, ईंटें होती हैं, उनके बीच में वो छुपा रहता है घास का फूल, और सुरक्षित रहता है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे कितनी भी तेज धूप पड़े, वो फूल जो था वो काफ़ी सुरक्षित महसूस करता था अपने आप को। लेकिन जब उसने देखा कि उसी उसी गार्डन में, यानी उसी उद्यान में, उसने देखा कि गुलाब के फूलों को लहराते हुए देखा, उसने देखा कि जो गुलाब के फूल हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और वे सूर्य की पहली किरण से लेकर शाम तक, सूर्य की अंतिम किरण तक का आनंद लेते हैं, ठीक है। हवाओं में घूमते हैं, झूलते हैं, ठीक है, और प्रकृति का पूर्ण रूप से आनंद लेते हैं। तो उसको ये लगता है छोटे से घास के फूल को कि मुझे भी प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। तो वो अपने फूलों से, जो उसके साथ वाले जो सहपाठी थे, साथ वाले जो थे, जो उसके मित्र लोग थे घास के अन्य फूलों, उनसे कहता है कि मैं तो गुलाब का फूल बनना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ देखना कि कैसे प्रकाश की पहली किरण का स्पर्श होता है, कैसा जो वायु, जो तरंगे होती हैं उनकी उत्तुंगता कैसी महसूस होती है, जब बारिश आती है तो कैसा महसूस होता है, मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहता हूँ। तो जो बाकी के फूल होते हैं वो कहते हैं भाई ऐसा मत कर, अगर तू गुलाब का फूल बन जाएगा तो तुझे पता है गुलाब कितनी परेशानियों में रहता है, ठीक है, कितनी असुरक्षा में रहता है, कितनी समस्याओं में रहता है, ठीक है। अगर तुम गुलाब का फूल बनोगे तो तुम्हें ये सारी समस्याएं देखनी पड़ेंगी, आंधी तूफान बारिश ये सब झेलना पड़ेगा, ठीक है, और तुम कष्ट में रहोगे और जल्दी ही बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। और तुमसे पहले जब तुम्हारी गुलाब के फूल बनने की इच्छा है, तो वो लोग कहते हैं, उसे कहानी सुनाते हैं कि जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने भी ऐसी गलती की थी और उनको उस गलती का भुगतान करना पड़ा था, फिर भी वो जो घास का फूल होता है वो कहता है नहीं, मुझे तो गुलाब का फूल ही बनना है, अपनी ज़िंदगी को जीना है, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा कि मैं ज़िंदगी जी ही नहीं पा रहा, यहाँ पर मैं सुरक्षित तो हूँ लेकिन मैं घुट घुट के जी रहा हूँ। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे गुलाब का फूल बना दो, या गुलाब का एक पेड़ बना दो मुझे, ठीक है, मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं घास के फूल की जगह मुझे गुलाब का फूल बना दो। तो ईश्वर उसकी पुकार को सुन लेता है और उसे अगले दिन गुलाब का फूल बना देता है, ठीक है, उसकी उसकी दुआ को सुनकर, उसकी प्रार्थना को सुनकर। तो होता क्या है, होता यह है कि उसी दिन उसने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू किया और बहुत अच्छा आनंद उठाता है वो, ठीक है, बहुत अच्छा महसूस होता है, सूर्य की पहली किरण, ठीक है, जब उससे टकराती है तो वो बड़ा ही अच्छा महसूस करता है, जब हवाएं उसको सहलाती हैं तो उसे बड़ा ही प्यारा महसूस होता है, ठीक है, वो प्रकृति का आनंद लेता है। लेकिन शाम होते होते क्या होता है, मौसम खराब हो जाता है, भयंकर आंधी तूफान आता है, और क्या होता है, गुलाब का फूल की पंखड़ियाँ बिखर जाती हैं आंधी तूफान में, थोड़ा बहुत उसमें बचता है। तो अगले दिन जब धूप निकलती है तो धूप भी बहुत तेज़ निकलती है, जिसकी वजह से जो उसका थोड़ा बहुत जो भाग बचा था, यानी कि अब वो फूल जो था वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है, तो वो सूखने लगता है। तो उसकी बिगड़ी हुई हालत को देखकर, उसकी जो दुखी अवस्था, उसकी जो ये हालत हो गई थी उसे देखकर, जो घास के अन्य फूल होते हैं वो कहते हैं कि हमने तुमसे मना करा था ना गुलाब का फूल बनने का, हमें तुम पर तरस आ रहा है, हमें तुम पर दया आ रही है। तो फूल कहता है, गुलाब का जो इस समय मर रहा था धीरे धीरे, वो कहता है मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मैंने ज़िंदगी के सारे आनंद उठा लिए, मुझे महसूस हो गया, मुझे पता चल गया कि असली ज़िंदगी क्या होती है, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी थी, मैं इस ज़िंदगी को जीने के बाद
अब मृत्यु की ओर जा रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैंने जिंदगी के सारे रंग देख लिए। ठीक है, तो कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर आपको ये लगता है कि आप सुरक्षित हैं, एक जगह पर हैं, तो आप जीवन के बहुत सारे ऐसे लाभों से वंचित रह जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पहलुओं से वंचित रह जाएंगे जिनके द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती थी, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लड़ना होगा। आपको, आप जानते हैं टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, टीपू सुल्तान भी अगर चाहता तो मराठों की तरह और निजाम की तरह क्या कर सकता था, अंग्रेजों से संधियां कर सकता था। ठीक है, उसे पता था कि अंग्रेजों से संधि करने से बेहतर क्या है, अंग्रेजों से युद्ध लड़ना। ठीक है, शिवाजी भी अगर चाहते तो वो मेहनत नहीं करते, वो सोच सकते थे कि मुगल साम्राज्य इतना बड़ा है, इतना विशाल साम्राज्य है और इतना जो शक्तिशाली शासक है मुगल सम्राट, उससे मैं टक्कर कैसे लूंगा। देखो जीवन में क्या होता है, जब तक आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, आप लड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना, तो आपको कोई नहीं जानेगा, है ना, चाहे वो शेरशाह सूरी हो, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, चाहे वो शिवाजी हो। इन लोगों ने क्या किया, ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, इन्होंने अपना कंपटीटर किसे बनाया, परिस्थितियों को बनाया, विकट परिस्थितियों से इन्होंने हार नहीं मानी और परिस्थितियों को इन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो टीपू सुल्तान का चाहे कितना बड़ा दुश्मन था, उसको पता था कि अंग्रेजों से जीतना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और जो उसके सहयोगी थे पहले मराठे और निजाम, वो भी उनके साथ हो गए थे, फिर भी उसने कभी भी झुका नहीं, वो उसने हार नहीं मानी। ठीक है, इसी टाइप से चाहे वो शिवाजी हो, चाहे शेरशाह सूरी हो, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, ना तो परिस्थितियों के आगे, ना ही अपने विरोधियों के आगे, और आज इनको हम लोग बहुत ही सम्मान की दृष्टि से याद करते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लें कि आपको परिस्थितियों से हार नहीं माननी, अगर परिस्थितियां जिद पर अड़ जाएं तो आपको भी अपनी जिद ठान लेनी है कि मुझे जीतना है परिस्थितियों को। ठीक है, ईश्वर भी आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, विकट परिस्थितियों में भी अपने ईश्वर को याद करें और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ने की तैयारी के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, जुट जाएं अपने युद्ध के लिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।